दो बार के ओलंपिक मेडल विजेता पहलवान सुशील कुमार और दिल्ली पुलिस के बीच 18 दिन तक चूहे बिल्ली का खेल चला। आखिरकार रविवार सुबह सुशील को दिल्ली हरियाणा बॉर्डर के पास मुंडका से गिरफ्तार कर लिया गया। सुशील के साथ अजय नाम के एक शख्स को भी गिरफ्तार किया गया है जो उसका सहयोगी है। दोनों को एक और अंतर्राष्ट्रीय पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के मामले में पकड़ा गया। सागर की हत्या नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में हुई थी। फरार रहने के दौरान इन 18 दिनों में सुशील कुमार 5 राज्यों में छिपता फिरा। इस दौरान 6 रसूखदारों पर उसे शह देने का शक है। इनमें 2 पुलिस अधिकारी भी शामिल बताए जा रहे हैं। इन 18 दिनों में सुशील कुमार कहां कहां गया? 4-5 मई की रात छत्रसाल स्टेडियम की पार्किंग में सुशील कुमार और उसके साथियों ने कथित तौर पर सागर धनखड़ की पीट पीट कर हत्या कर दी। 5 मई सुशील अलसुबह घर पहुंचता है। केस दर्ज होने के बाद वह ऋषिकेश भाग जाता है। 6 मई की रात इनोवा में बैठकर मथुरा जाता है। मेरठ के टोल बूथ के सीसीटीवी में नजर आता है। 7 मई के बाद दिल्ली में रुकता है, फिर बहादुरगढ़ के लिए निकलता है। छापेमारी के बाद चंडीगढ़ भाग जाता है, फिर बठिंडा और उसके बाद फिर चंडीगढ़। 22 मई शराब के एक सप्लायर से पैसे लेने गुड़गांव आता है। हरिनगर जाकर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है और रात को वही रुकता है। 23 मई गर्लफ्रेंड की स्कूटी लेता है और फिर मुंडका जाता है किसी परिचित से मिलने, लेकिन रास्ते में सुशील कुमार और उसके पीए अजय को दिल्ली पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। अपने आसपास होने वाले क्राइम से सजग रहने और क्राइम वीडियो देखने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर, और अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि हर क्राइम से आप रहें जागरूक।